जैसे आपकी प्रिपरेशन, कई बच्चों की प्रिपरेशन कचरे लेवल पे आई, उसको छूने का मन नहीं करता है। सोल्यूशन क्या है? घिसना पड़ेगा। क्या सोल्यूशन था मेरा? अलाहाबाद पहुंचा, टेम्पो पकड़ के कोचिंग जाता था पढ़ाने, है ना। स्प्लेंडर प्लस मेरे कोचिंग के मालिक ने मुझको दे रखी थी, जो मेरे पार्टनर थे, मालिक क्या पार्टनर जो कह लो, मेंटोर कह लो, उन्होंने अपनी स्प्लेंडर प्लस दे रखी थी। स्टार्ट नहीं होती थी, बाइक धक्का मार रहा हूँ, धक्का मार कर कोचिंग जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी समय आया कि यार 50 रुपये जेब में नहीं है कि पेट्रोल कहाँ से डलाऊँ, घर वालों से मांग नहीं सकता, शर्म आती है। थी सिचुएशन, लड़े उससे, गए कोचिंग उस दिन। कोचिंग में किसी को पता नहीं चलने दिया कि हम पैदल चल के आए, वहाँ पर जाके उसी एनर्जी से उसी तैयारी से पढ़ाया। तो कचरा होती है चीज़ें, और कचरे को हटाने में समय लगता है, पेशेंस लगता है, पेशेंस चाहिए होगा। सर 30 दिन में नीट निकल जाएगा, अगर नहीं प्रिपरेशन तो कैसे निकलेगा बच्चा? हाँ, पर 30 दिन में अपन 600 पहुंच सकते हैं, 500 पहुंच सकते हैं, मे बी 500-550 तो हिट करेंगे। मेरे अभी 100 आ रहे हैं, 500 हिट करेंगे, 550 हिट करेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाएंगे यार, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे, खेलेंगे जी जान से, हार थोड़ी ना मान जाएंगे। फोकस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपनी, फोकस गलत जगह पे अपनी, अपनी फोकस है कि यार चीजें बहुत खराब है, अपनी फोकस होना चाहिए आज क्या डिसीजन लें जिससे ये चीज 1% इंप्रूव हो जाएगी, कल 1% और होगी, परसों 1% और होगी। अब देखो ये 1% बढ़ता है, आज वो 1% पे है, उसका 1% कितना हुआ 0.1, कल वो 2%, उसका 1% 0.2, कल को वो 10% हो जाएगी, उसका 1% 1% हो गया, जब वो 50% पे पहुंच गया उसका 1% 5%। तो इंप्रूवमेंट आपका ना ऐसे एक्सपोनेंशियली उठ रहा होगा। ये फेज आपको निकालना पड़ेगा, शायद इनिशियल 3 से 4 दिन आपके ये फेज वाले, 3-4 दिन आप बैठ के सुबह से शाम पढ़ाई करो जबरदस्त, 12 घंटे 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे, 4 दिन के अंदर देखो आपको बिलीफ आएगा अपने अंदर कि मैजिक इज गोइंग टू हैपन। आप इस फेज में हो अभी, ये फेज से अगर आप निकल आए 3 से 4 दिन 14 से 15 घंटे की मेहनत, आपको दिख जाएगा मैजिक इज गोइंग टू हैपन।